हेलो फ्रेंड्स, आज लूफी इनू की तरफ से बहुत ही शानदार न्यू अनाउंसमेंट किया है जो काफ़ी शानदार है एंड वीडियो को कंप्लीट पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले इसकी करंट प्राइस की बात की जाए तो 0.90 के बाद $74 चल रही है। 3.92% का इसमें डाउन आ चुका है एंड इसके ट्विटर अकाउंट पर 61.8 के फॉलोअर्स कम्प्लीट हो चुके हैं। लूफी टोकन ऑफिशियल ने 6 घंटे पहले ट्वीट किया है मेजर पार्टनरशिप अनाउंसमेंट, 1 day left, यानी कि आज 26 मई है और 27 मई को एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया जाएगा। आर यू एक्साइटेड? क्या आप तैयार हैं? एंड इसमें स्टिकर आया है वेल्स का, तो हो सकता है कि कल इसके अंदर वेल्स एंट्री ले ले, और अगर वेल्स एंट्री लेती है तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा, काफ़ी शानदार पंप इसमें देखने को मिल सकता है। लूफी टोकन ऑफिशियल ने एक रीट्वीट किया है एजेड बिट न्यूज़ की तरफ से। 1 घंटे पहले एक ट्वीट किया गया था, लिस्टिंग अलर्ट लूफी, डिपॉजिट ट्रेडिंग एंड विड्रॉल्स फॉर लूफी विल ओपन एट 6 PM 27 मई 2022, यानी कि 27 मई 2022 को 6 PM UTC इंडिया के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 27 मई को रात के 11:30 बजे इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, डिपॉजिट एंड विड्रॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। ये USDT के पेयर में होगा, आप USDT के जरिए इसको बाय कर सकेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लूफी टोकन ऑफिशियल ने 14 घंटे पहले ही बताया था कि DigiFinex एक्सचेंज को 27 मई को लिस्टिंग हो रही है DigiFinex एक्सचेंज पर, तो यानी कि 27 मई को 2 लिस्टिंग का अनाउंसमेंट हो चुका है। 27 मई को 2 एक्सचेंज लिस्टिंग होगी, DigiFinex एंड AZBit, यानी कि कल 27 मई को 2 एक्सचेंज लिस्टिंग और एक बड़ी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो कल का दिन बहुत ही शानदार दिन हो सकता है लूफी इनू के लिए, कल काफ़ी शानदार प्रॉफिट इसमें देखने को मिल सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो 28 मई को एक्सचेंज लिस्टिंग होने जा रही है, वो भी काफ़ी बड़ी एक्सचेंज लिस्टिंग होने जा रही है, इसका अनाउंसमेंट काफ़ी दिन पहले लूफी टोकन ऑफिशियल ने कर दिया था। तो 27 मई एंड 28 मई दोनों बहुत ही शानदार दिन है, हो सकता है दोनों दिन में हमें काफ़ी शानदार प्रॉफिट देखने को मिले, तो आप अपना प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।